शहर के मारा सागर तालाब बाईपास रोड के समीप भगवान परशुराम जी का मंदिर बनने जा रहा है। इसके आधारशिला रखने आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सांसद विश्वदत्त शर्मा, मंत्री बृजय प्रताप सिंह, विजयराव घोड़, विधायक संजय पाठक पन्ना पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विश्वदत्त शर्मा रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि स्थानीय विधायक और प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विजयराव घोड़, विधायक संजय पाठक, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शारदा पाठक रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध वेद व्याकरणचार्य पंडित राम दुलारे पाठक द्वारा की। बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरी कार्यक्रम संपन्न किया गया। पन्ना शहर के मंडिया तालाब टिकुरिया मोहल्ला निवासी अरुण दीक्षित ने अपनी निजी जमीन में से 30x50 की भूमि भगवान परशुराम मंदिर निर्माण के लिए दान में देकर सराहनीय कार्य किया है। के अंदर भगवान परशुराम जी के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम आज सम्पन्न हुआ है और सभी समाज के बंधुओं ने आज हमारे मंच पर सभी जो अतिथि यहाँ पर थे उन सब ने मिलकर के कि भगवान परशुराम जी का एक भव्य और दिव्य मंदिर बनाएंगे और ऐसे स्थान जो श्रद्धा और आस्था का केंद्र बने उसके लिए सभी समाज के सहयोग से वो मंदिर यहाँ के लिए एक बड़ा उपयोगी साबित होगा। इसके लिए आज सभी लोगों ने संकल्प लेकर के ये मंदिर का भूमि पूजन आज यहाँ पर हमने ये विशेष तौर पर कहा है कि उस समाज के सभी बंधुओं को कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, किसी न किसी रूप में मंदिर के निर्माण में उसकी भूमिका, अगर एक ईंट भी उसने लगाई है। राम मंदिर का निर्माण देश के अंदर एक व्यक्ति ही करा सकता था, लेकिन एक एक ईंट व्यक्तियों ने लगाई है। हर समाज के सहयोग से जब ईंट एक एक ईंट बनकर के जब मंदिर का निर्माण होता है तो उस मंदिर का आभाव, उस मंदिर की दिव्यता और उस मंदिर का जो प्रताप होता है वो एक ही अलग होता है। इसलिए आज समाज के बंधुओं ने संकल्प लिया है कि समाज के हर वर्ग से सहयोग लेकर के ही मंदिर का निर्माण। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।